नमस्ते बच्चों, आज हम नया पाठ देखेंगे जिसका नाम है देहात और शहर। पहली इकाई का यह हमारा चौथा पाठ है जो कि है देहात और शहर। यह जो पाठ है, यह पाठ अभिषेक पांडे जी ने लिखा है। उनका जन्म 29 जनवरी 1992 में मुंबई में हुआ। उनका परिचय है, समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पाठ में या यह जो पाठ है, यह पाठ पत्र रूप में है। देहात ने शहर को पत्र लिखा है और शहर ने देहात को पत्र लिखा है। देहात यानी कि गांव, देहात यानी कि क्या, गांव। गांव ने शहर को पत्र लिखा है और शहर ने गांव को पत्र लिखा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। इस पाठ में पत्र के माध्यम से शहर और देहात की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। एक और जहां देहातों में धीमे विकास के साथ साथ बेरोजगारी, गुटबाजी, झगड़े, अशांति जैसे सुविधाओं का अभाव है, वही दूसरी ओर शहरों में चमक दमक तो है पर साथ ही भीड़, प्रदूषण, गंदगी जैसी अनेक समस्याएं हैं। यह समस्याएं शहर देहात को यानी कि गांव को बता रहा है और देहात यानी कि गांव शहर को बता रहा है। तो पहले भाग में हम पहला पत्र देखेंगे जो पत्र है देहात के बारे में, यानी कि देहात ने, देहात यानी कि गांव, यहाँ आपको गांव दिखाई दे रहा है, गांव ने यह पत्र शहर को लिखा है। यहाँ हम पत्र देखेंगे। आप भी अपनी कॉपी बुक में, सॉरी अपनी किताब में देखिए। किताब में पेज नंबर है 9, पान नंबर 9 है। 9 पर हमें यह पत्र दिया गया है, जहाँ यह जो पत्र है, यह पत्र 1 अगस्त 2017 में लिखा गया है और यह पत्र देहात में शहर को लिखा गया है। इसलिए यहाँ लिखा गया है, देखो, प्रिय मित्र शहर, प्रिय मित्र शहर। तो गांव शहर को कहता है कि प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। देखो, हम अक्सर अपने परिवारजनों को या अपने सगे संबंधियों को दूरध्वनि करते हैं, यानी कि फ़ोन करते हैं। तो सभी बातें फ़ोन पर होना मुश्किल है, यानी कि सभी बातें हम फ़ोन पर नहीं कर सकते। इसलिए जब शहर और गांव का फ़ोन हुआ, तब गांव ने और शहर ने अपने सुख दुख के संबंध में बहुत बातें की, लेकिन वो बातें कम थी। इसलिए गांव ने शहर को पत्र लिखा है और शहर को कहा है कि तुमने मुझे मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, लेकिन ज़्यादा बात न होने के कारण मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है, सोचा पत्र ही लिखो, अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊँ। दुखड़ा रोना यानी कि दुख सुनाना, दुखड़ा रोना, यह जो है यह मुहावरा है। यह मुहावरा हमने शब्द वाटिका में भी आपको दिया है, आपने वो कल लिखा होगा। तो दुखड़ा रोना यानी कि दुख सुनाना। गांव शहर को कह रहा है कि मैं तुझे अपना दुख क्या सुनाऊँ, चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। साझा करना यानी कि बांटना, साझा करना यानी कि क्या, बांटना। गांव कहता है, मैं हमेशा ही तुम्हें मेरा दुख सुनाता हूँ, तो मैं अब तुम्हें मेरा सुख भी सुनाऊँगा, यानी कि अच्छी बातें भी तुझसे बांटूँगा। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ा है। गांव कह रहा है शहर को, या लिख रहा है कि डिजिटल क्रांति का जो असर है, वह असर
हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। डिजिटल क्रांति यानी कि क्या? तो डिजिटल क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसमें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, जैसे कि बिजली या फ़ोन का बिल अगर हमें भरना हो तो, या ट्रेन का बुकिंग करना हो, बस का बुकिंग करना हो, तो हम घर बैठे भी वो बुकिंग कर सकते हैं। यानी कि हम ऑनलाइन पर घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से वो बुकिंग हम कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। हम मंगवाते हैं ना अक्सर, अमेज़ॉन से मंगवाते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगवाते हैं, फेसबुक लाइव से मंगवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम मंगवाते हैं ना। तो ऑनलाइन हम कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से आज हम सभी पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं। इसी को ही डिजिटल क्रांति कहते हैं। तो गांव शहर को कहता है कि डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई देने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। अभी जो देखो गांव में भी मोबाइल पहुंच चुका है, गांव में भी हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो मोबाइल के माध्यम से जो नई नई सूचनाएं हैं या न्यूज़ भी हम देख सकते हैं, तो गांव कहता है कि वही सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। स्वच्छ ग्राम यानी कि साफ सुथरा गांव, ग्राम यानी कि क्या? गांव। ग्राम का मतलब क्या होता है? गांव। तो जब गांव स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, तो स्वस्थ ग्राम यानी कि गांव के लोग भी स्वस्थ रहेंगे या हेल्दी रहेंगे। स्वस्थ यानी कि क्या? हेल्दी। यानी कि जब हम गांव साफ सुथरा रखेंगे तो गांव के लोग भी हेल्दी रहेंगे। यह परियोजना गांव घर घर तक पहुंच गई है। घर घर तक यह पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। ग्रामजन यानी कि गांव में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी अभी शिक्षा का महत्व समझ में आ गया है, या स्वास्थ्य का महत्व, रोजगार उनको उपलब्ध हो रहा है, खेती में नए नए औजारों का उपयोग किया जाता है, आधुनिक खेती नए नए औजारों के माध्यम से की जाती है, तो थोड़ा थोड़ा गांव में भी यह पहुंच चुका है। और एक सुविधा गांव में आई है, कौन सी है वो? घर घर में शौचालय। घर घर में शौचालय, यह जो सुविधा है, यह सुविधा अभी प्रत्येक गांव में या हर एक गांव में आ गई है। तो घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हमारे देश में गांव के घर घर में शौचालय आ चुका है, इसके प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। अभी तक जो गांव ने शहर को सुनाया है वो सुविधाओं के बारे में सुनाया है या अच्छा सुनाया है। कैसा सुनाया है? अच्छा, अच्छी अच्छी जो बातें हैं गांव की, वह गांव की अच्छी अच्छी बातें शहर को सुनाई है। लेकिन अब गांव जो शहर को लिखने वाला है, यह कुछ परेशानियों के बारे में लिख रहा है। कौन कौन सी परेशानियां हैं गांव में? तो देखो, पीने के पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। कौन सी? पहली है, पीने के पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है कि गांव में पीने का पानी नहीं है, इसलिए हमें दूर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। गांव में विद्यालय तो होता है लेकिन उसमें जो आवश्यक सुविधाएं हैं, जैसे कि लैब होती है या कंप्यूटर लैब होती है, लैबोरेटरी होती है, तो ग्रंथालय होते हैं, तो यह सुविधाएं नहीं है। गांव कहता है मेरे यहाँ विद्यालय तो है लेकिन इनमें ये सुविधाएं नहीं है, या डिजिटल जिसे हम
डिजिटल के माध्यम से शिक्षण देना कहते हैं, जैसे कि हम प्रोजेक्टर पर देखते हैं ना, तो ऐसे ई लर्निंग का क्लास गांव में नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है, विद्यालय है तो उसमें सुविधा नहीं है, महाविद्यालय है तो गांव से बहुत दूर है, वहां तक लड़के लोग या लड़कियां जा नहीं पाती हैं। गांव के लोग अक्सर लड़कियों के बारे में बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए लड़कियों को दूर दूर तक या दूर के गांव में महाविद्यालय यानी कि कॉलेज में जाने नहीं देते, यानी कि लड़कियों का जो शिक्षण है वो वहाँ पर ही थम जाता है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं विकसित तकनीक है। तो गांव क्या कहता है कि मेरे पास ये नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो तुम्हारे पास तो यह सब अत्याधुनिक सुविधा है। तुम्हारे पास विद्यालय है, विद्यालय में बहुत सुविधाएं हैं, या महाविद्यालय भी शहर में बहुत पास होते हैं, लेकिन मेरे पास तो इसमें से कुछ भी नहीं है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। यहाँ मुहावरा आया है, देखो, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होना, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होना यानी कि तेज गति से उन्नति होना, विकास होना, उन्नति यानी कि विकास, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होना यानी कि क्या, तेज गति से विकास होना। गांव शहर को कह रहा है कि शहर का विकास जो है वह बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तेजी से हो रहा है, तेज गति से हो रहा है। तुम कितने सुखी हो, यातायात के अत्याधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। चार चांद लगाना, यह भी एक मुहावरा आया है, देखो यहाँ पर, चार चांद लगाना यानी कि शोभा बढ़ाना, चार चांद लगाना यानी कि शोभा बढ़ाना। तो गांव शहर को लिख रहा है कि तुम्हारे पास यातायात के आधुनिक साधन है, यातायात यानी कि क्या, आने जाने के लिए बहुत सारी बसेस होती है ना शहर में, तो उन बसेस के बारे में, या रिक्शा होती है, टैक्सीज होते हैं, तो इनके बारे में गांव बोल रहा है कि तुम्हारे पास यातायात की बहुत सारे साधन हैं, उन यातायात को साधन के चलने के लिए पक्की चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं, हम जाते हैं ना डी मार्ट में जाते हैं या स्टार बाज़ार में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल शहरों में होती हैं, और शहरों में कभी बिजली नहीं जाती, जाती है तो झट से वो आधे घंटे के पहले ही आ जाती है, लेकिन गांव का वैसा नहीं है। गांव में अगर बिजली जाए तो दो दो दिन तक, बारिश के दिनों में तो दो दो दिन तक बिजलियाँ नहीं आती गाँव में। तो गांव शहर को कह रहा है तुम तो बड़े सुखी हो कि तुम्हारे पास यह सब सुविधाएं हैं, यह सब सुविधाएं तुम्हारी शोभा बढ़ाती है यानी कि चार चांद लगा देती हैं। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है, गांव कहता है कभी कभी मेरा मन बहुत उदास हो जाता है कि एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। गांव कहता है एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। रौनक यानी कि क्या, चमक दमक, रौनक यानी कि चमक दमक। तो गांव कहता है कि तुम बहुत सुखी हो लेकिन मैं बहुत उदास हूँ, और मेरा भी एक ज़माना था कि मेरे ज़माने में मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, चारों तरफ चमक दमक थी। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। तो कौन कौन सी समस्या है गांव में, देखो यहाँ गांव की समस्याएं बताई गई हैं, ये सब गांव की समस्याएं हैं। कौन कौन सी है, असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गांव में अक्सर झगड़े होते हैं, गुटबाजी
यानी कि गुट गुट में, ग्रुप ग्रुप में लोग रहते हैं, अशांति, यह जो समस्याएं हैं यह गांव की समस्याएं हैं और इन सब समस्याओं से मैं घिरा जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। परिवार कल्याण यानी कि क्या, कि हमारी जो जनसंख्या है वह जनसंख्या बढ़ रही है। गांव में अक्सर हम जब देखते हैं ना तो लोगों को चार चार बच्चे होते हैं, 3, 4, 5, 6 इतने बच्चे होते हैं। यानी कि गांव में जो भी लोग हैं, अशिक्षित है, अल्प शिक्षित लोग हैं, उन तक परिवार कल्याण नियोजन यानी कि कुटुंब नियोजन, जिसे हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं, वो अब तक गांव के लोगों के पास पहुंचा नहीं है। इसलिए गांव के लोगों को बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर बहुत सारे बच्चे हुए तो उनका पालन पोषण भी बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, उनका पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं होता। इसलिए परिवार कल्याण के बारे में भी गांव के लोग उदासीन है। और इसलिए क्या बढ़ रही है, जनसंख्या, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण यहाँ लोगों को काम धंधा नहीं है। जब जनसंख्या ज़्यादा हो तो सबके लिए काम होगा क्या, नहीं होगा, तो सबके लिए काम नहीं होगा यानी कि यहाँ काम धंधा नहीं है। काम धंधा नहीं है तो क्या बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी। और यह बेरोज़गारी बढ़ने के कारण रोज़गार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। अगर गांव में कोई काम नहीं होगा तो लोग रहेंगे कैसे, क्या खाएंगे, और इसलिए लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, शहर की तरफ लोग जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए गांव में मजदूर ही नहीं रहे खेती के कामों के लिए। तो यहाँ मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि शहर की चमक दमक, देखो यहाँ पर लिखा है, शहर की चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। शहर की जो चमक दमक है वो अक्सर गांव के लोगों को बहुत पसंद है। गांव के लोगों को शहर में आना जाना बहुत पसंद है या रहना पसंद है, इसलिए बहुत सारे गांव के लोग शहर में आ रहे हैं। हम भी गांव से आए हैं, हमारा भी गांव है, आपका भी है ना गांव, तो हम भी गांव से ही शहर में रोज़गार की तलाश में आए हुए हैं। और शहर की चमक दमक जो है या शहर में जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनकी ओर आकर्षित होकर लोग गांव को अकेला छोड़कर शहर की ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, यानी कि जो दवाखाने होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वो भी नहीं है। गांव का अगर एक हाथ व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसे शहर में लाना पड़ता है, तो गांव कहता है मेरे पास स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। बीमारियां हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में मेरे पास क्या नहीं है, सुसज्ज और अच्छे अस्पताल, अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल्स, मेरे पास हॉस्पिटल्स नहीं है। इसलिए लोगों को बीमारियां जब लोगों को लग जाती हैं तो उन्हें शहर जाना पड़ता है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है और सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं होने के कारण लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। तो गांव शहर को कहता है कि मेरा जो परिवार है, मेरे जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं, वो सब शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए मेरा परिवार टूट सा रहा है। शहर को कहता है बताओ मैं क्या करूं, तुम्हारा मित्र देहात, यहाँ दिया गया है, देखो तुम्हारा मित्र देहात। तो किसने किससे लिखा है यह पत्र, देहात ने यानी कि गांव ने शहर को यह पत्र लिखा है। कल हम देखेंगे
शहर ने भी गांव को एक पत्र लिखा है, उसके नीचे है वो, यहाँ देखो। तो वो पत्र हम कल कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। पत्र को, पहला जो पत्र है गांव ने शहर को लिखा है, वो पत्र पढ़ो, और मैं जो आपको प्रश्न भेजती हूँ उनके जवाब अपनी कॉपी बुक में लिखो।